हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं और उसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज खुद ये सब लाइव करके दिखाऊंगा, अपने ही चैनल पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बताया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। इसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मेरे यूट्यूब की तरफ से जो मुझे मेल आया हुआ है मोनेटाइजेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेल मुझे 2 दिन पहले ही आया है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, और अब मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेल आपको भी आएगा जब आपके ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टैब में, और इसमें हमें सबसे पहले youtube.com डालना है और एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने चैनल में लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो टॉप राइट कॉर्नर में इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यूअर चैनल में जाना है। यूअर चैनल में जाने के बाद हमें यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हमें 4th नंबर पे एनालिटिक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अब टॉप राइट कॉर्नर में जाना है। यहाँ पे आपको 28 दिन दिखा रहा है, तो हम यहाँ से इसे लाइफ टाइम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वॉच टाइम जो है 4.2 के दिखा रहा है। हमें एग्जैक्टली यहाँ से चेक नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कभी कभी गलत भी दिखा देता है। तो हमें अब इसमें नीचे जाना है लेफ्ट साइड में ही, और यहाँ पे मोनेटाइजेशन में जाना है। तो आप देख सकते हैं मेरे ये सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और वॉच टाइम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है जो हाईलाइट है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 स्टेप आ जाएंगे। सबसे पहला है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, ये वाला है। उसके बाद है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, और तीसरा है गेट रिव्यूड। तो हमें सबसे पहले स्टेप 1 पे आना है, और इस पे यहाँ पे जो स्टार्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज दे रखी हैं, प्रोग्राम्स के टर्म एंड कंडीशंस हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑप्शन टिक होने चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। ये आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो डन लिखा आ गया है यहाँ पे, ये डन हो चुका है। अब हमें दूसरे स्टेप पे चलना है, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। इसमें जो ये स्टार्ट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप इस यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास अभी नहीं बना हुआ है, मैं इसी के थ्रू आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने ये बोलेगा कि जीमेल आईडी सिलेक्ट करो जिससे आपने
एडसेंस बनाना है, तो मैं वो आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद ये डायरेक्ट आपको एडसेंस में ले जाएगा। ये आपके सामने आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आ गई है, और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट आ गई है। मेरे चैनल का यूआर लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो रखा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस इसमें लिखा हुआ है, दो ऑप्शन हैं, येस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प और नो, तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री के लिए बोल रहा है, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे हम इंडिया से हैं, यहाँ पे हम आई इंडिया इंडिया वाली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं, काफी सारा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमें यहाँ पे येस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी, यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या भरना है आपको। आपको इसमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये जो अकाउंट टाइप है इसमें आपको इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इसमें हमेशा इंडिविजुअल रखें। अगर आपका कोई बिजनेस है तभी बिजनेस चूज करें, अदरवाइज इसमें आप हमेशा इंडिविजुअल ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस डालना है, यहाँ पे नाम डालना है आपको वो, और एड्रेस वही डालना है जो आप डॉक्यूमेंट में है आपके, क्योंकि ये उसको बाद में वेरीफाई भी करता है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं, तो वहाँ पे इसलिए आप वही लीगल नेम यहाँ पे डालें। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 डालें, यहाँ पे अपनी सिटी डालनी है, पोस्टल कोड डालना है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे स्टेट डालनी है, और यहाँ पे फोन नंबर डालना है जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें फिलअप कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी सारी चीजें फिलअप कर दी हैं। फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पे मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, नाम, एड्रेस, अपनी सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, फोन नंबर भी डाल दिया है मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो ये सबमिट पे क्लिक करना है अब हमें। जैसे ही आप सबमिट पे करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है। रीडायरेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वापस आपको यहीं पे ले आएगा, ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेता है। ये आप देख सकते हैं स्टेप 2 के आगे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पे ये नॉर्मली ये 2-3 घंटे में भी हो सकता है अप्रूव एडसेंस आपका, और 12 घंटे भी लग सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, हार्डली इसमें 24 to 48 आवर्स तक का टाइम लगता है, उसके बाद आपका ये एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाता है। और ये जो थर्ड स्टेप है ये ऑटोमेटिक ही आपका चैनल रिव्यू के लिए चला जाता है, मोनेटाइजेशन के लिए चला जाता है। वैसे नॉर्मली ये 2-3 दिन में मोनेटाइज हो जाता है, पर हार्डली इसमें 1 वीक का टाइम लगता है, उसके अंदर अंदर ही आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, अगर उसमें सब कुछ लीगली हुआ है, कोई भी फेक चीज नहीं है, तो वो प्रॉपर वे में किया है आपने, तो वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।